हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम का जो है तो नया अकाउंट किस तरीके से ओपन करते, या फिर आपको अगर से पेटीएम का जो है तो नया अकाउंट जो है तो ओपन करना है, न्यू अकाउंट पेटीएम का आपको ओपन करना है, तो यह अकाउंट जो है तो किस तरीके से ओपन होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगी, यह पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं जो है तो आपको देने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ करके वीडियो जो है तो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आए। तो चलिए फिर वीडियो जो है तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सचिन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आपके दिल में कोई सवाल आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो तो एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके पास जो है तो पेटीएम का अकाउंट ओपन करने के लिए जो है तो ऐप आपको जो है तो एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पेटीएम। तो ये ऐप जो है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए आपको जो है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जो है तो प्ले स्टोर पर चले जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर आ जाते हो, यहाँ पर आपको सर्च करना है PAYTM, और यहाँ पर जो है तो सर्च आपको कर लेना है। ओके, जैसे ही यहाँ पर जो है तो आप सर्च कर लेते हो तो यहाँ पर जो है तो कुछ ही देर में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम बोल के जो तो शो हो रहा है। तो यहाँ से जो है तो आपको जो है तो इसे इंस्टॉल यहाँ से कर लेना है। मैंने जो तो यहाँ से इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो तो 100 मिलियन जो है तो इसका डाउनलोड यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप पेटीएम का सिंबल वगैरह भी जो है तो यहाँ से आ गया है। तो मैंने जो है तो डाउनलोड जो है तो पेटीएम को कर लिया है, इंस्टॉल मैंने कर लिया है। तो आप जो है तो ऐसे डाउनलोड प्ले स्टोर से जाकर जो है तो कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो मैं जो तो इसे ओपन कर लेता हूँ। आपने ऐसे इस तरीके से जो है तो ओपन कर लेना है। ओके, तो पेटीएम अभी ओपन हो रहा है। ओके, तो इसके बाद आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद दोबारा अलाउ कर देना है, तीसरी बार और एक बार आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से जो है तो किस तरह से पेटीएम का अकाउंट नया क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके, तो इस पर आपको यहाँ पर एक क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे उसके बाद में जिस भी नंबर पे आपको पेटीएम का अकाउंट जो है तो ओपन करना है, मतलब कि जिस नंबर पे आपको पेटीएम जो है तो चलाना है या फिर यूज़ करना है, वो नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो मेरा जो तो नंबर यहाँ से इंटर कर लूँगा। आपको जो तो 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर यहाँ से इंटर कर देना है। जैसे ही आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर यहाँ से कर देते हो, उसके बाद में सिंपल यहाँ से जो तो आपको आपका पासवर्ड जो है तो सेट कर लेना है। जो आपको जैसे कि आपको ख्याल रहे, जैसे कि आपका बाइक नंबर हो गया, आपका मतलब कि आपको जो भी कोई चॉइस नंबर होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोई भी आपको जो है तो ऐसे पासवर्ड जो है तो चूज़ कर लेना है जो आपको जो तो ख्याल में रहे या फिर याद में रहे। ओके, तो आपको जो तो किस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको एक जो तो कैपिटल लेटर लेना है, उसके बाद में कुछ स्मॉल लेटर लेना है, और उसके बाद में कुछ जो तो इस तरीके के लेटर लेना है, इस तरीके के। ओके, तो इस तरीके के कुछ लेटर लेना है। ओके, तो मैं जो तो ले लेता हूँ SA, उसके बाद ले लेता हूँ मैं C, उसके बाद में एक जो तो इस तरीके का लेटर ले लेता हूँ मैं हैश, और उसके बाद में ले लेता हूँ 1, 2, 3। ओके, तो इस तरीके से जो तो कैरेक्टर्स आपने ले लेना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ इस तरीके से जो तो ले लेना है, उसके बाद में कुछ जो है तो नंबर्स ले लेना है। ओके, तो इस तरीके से अपने पासवर्ड जो तो नया क्रिएट करना है। ओके, तो पासवर्ड देने के बाद जो तो आपको अभी क्या करना है, उसके बाद में आपसे ऐसे जो तो आपको ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर जो तो आप देख सकते हैं ईमेल आईडी जो है तो ऐसे मांग रहा है। आपके पास ईमेल आईडी होगा तो आप ईमेल आईडी दे सकते हो। ईमेल आईडी अगर से आपके पास नहीं है तो ईमेल आईडी आप ऐसे जो है तो नहीं भी दे सकते हो। ईमेल आईडी को जो है तो आप नहीं भी ऐसे दे सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शनल जो है तो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शनल जो तो ये है, यहाँ पर आप दे भी सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। ओके, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ। पासवर्ड जो है तो देने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेते हो, उसके बाद में जो है तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। तो मैं जो तो OTP मुझे आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको OTP इंटर करना है। तो मुझे OTP आ गया है, मैं OTP जो है ऐसे इंटर कर लेता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने OTP इंटर कर लिया, आपने OTP इंटर करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कन्फर्म पर जो तो क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे आप कंफर्म पर क्लिक कर लोगे, ओके, तो जो है तो आपके सामने जो तो कुछ कुछ जो है तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपका जो है तो अभी पूरी तरीके से जो है तो
पेटीएम जो है तो अकाउंट जो है तो ओपन हो गया है। पेटीएम का जो न्यू अकाउंट है तो वो जो है तो आपका अभी ऐसे जो है तो ओपन हो गए। तो ऐसे जो है तो पूछा जा रहा है आपको कि आपका जो है तो बैंक अकाउंट ऐसे आपको लिंक करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं आप एनेबल इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र या फिर कोई भी सर्विसेज यूज़ करने के लिए जो है तो आपको आपका जो है तो ऐसे बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए जो है तो पूछा जा रहा है। तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो ऐसे आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है तो अभी जो है तो पेटीएम का नया अकाउंट जो है तो ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे थ्री डॉट पर अगर से क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है तो डिटेल्स दी गया है, आपका जो तो नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एडिट प्रोफाइल पर जो तो जाकर आप जो तो आपका प्रोफाइल ऐसे जो तो सेट कर सकते हो। जैसे कि आपके ऐसे आप नाम डाल देना, लास्ट नेम डाल देता, उसके बाद आपको जो तो क्या डिस्प्ले पे शो करना है वो दे सकते हो आप। उसके बाद में ईमेल आईडी जो है तो ऐसे आप दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से जो तो आपका प्रोफाइल आप ऐसे सेट करने के बाद सेव पर आपने क्लिक कर लेना है तो आपका जो तो प्रोफाइल जो है तो ऐसे सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो तो कुछ इस तरीके से जो तो पेटीएम का जो तो डैशबोर्ड है यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप किसी दूसरे पेटीएम के जो तो अकाउंट में पैसा सेंड कर सकते हो। ओके, और ऐसे जो है तो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि बैंक हो गया वगैरह दूसरे को जो तो आप ऐसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद पासबुक पर अगर से हम आ जाते हैं तो पासबुक में जो है तो आपको जो है तो आपका जो है तो पूरा बैलेंस जो है तो शो करेगा कि आपका जो तो कितना जो है तो अभी आपके वैलेट में पैसा है या फिर जो तो कितना आपके जो है तो बैंक में ऐसे आपको पैसा दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो तो ऐड मनी का ऑप्शन आता है, ऐसे आप जो है तो आपके बैंक अकाउंट से पेटीएम में जो है तो पैसा ऐड कर सकते हो। नीचे जो है तो ऐसे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ऐसे बिल पेमेंट जो है ऐसे आप कर सकते हो। नीचे आ जाते तो कुछ जो है तो इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होते थे। आप देख सकते हैं ऐसे आप मोबाइल रिचार्ज हो गया, डिटेल्स रिचार्ज हो गया, मूवी टिकट हो गया, शॉपिंग वगैरह मूवर हो गया, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे आप पे कर सकते हो। उसके बाद में ऐसे आप जो तो मॉल पर जो है तो पेटीएम के जा सकते हो। तो मैं मॉल पर आ जाता हूँ तो ऐसे जो है तो आप पेटीएम के मॉल से जो है तो कोई भी शॉपिंग जो है तो कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते जो तो आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है कि आपको जो तो को सर जो तो परचेस करना है, जो कोई आपको जो तो कुछ चीज़ें वगैरह से परचेस करना है आपको, तो ऐसे आप परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर जो तो नीचे दिया गया स्कैन, स्कैन पर जैसे आप क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर जो तो आप पेमेंट कर सकते हो दूसरे का जो है तो पेटीएम का नंबर दे के। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन करने को पूछ रहा है मुझे, तो मैं बैक कर देता हूँ। तो आप स्कैन करके पेटीएम का जो है तो नंबर दे के जो है तो ऐसे दूसरे को जो है तो पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो मैं इसे जो तो दोबारा से बैक कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद जो तो बैंक का ऑप्शन दिया गया है तो मैं बैंक के ऑप्शन पर जो तो क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो तो मुझे पूछा जा रहा है कि आपको जो तो अभी आपका जो तो पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन नहीं है। तो ओके, मैं बैक कर लूँगा। अभी जो तो आपका सिर्फ पेटीएम का अकाउंट ही ओपन हुआ है, आपका जो तो KYC इसका सक्सेसफुली नहीं हुआ है। तो आपको जो तो इसका KYC करना पड़ेगा। KYC करने के लिए आपको जो तो पेटीएम का जो एजेंट है उसके पास जाके इसका आपको KYC करना पड़ेगा, तभी जो है तो आप पेटीएम जो है तो अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो तो आपको बता दिया है कि पेटीएम का अकाउंट जो तो न्यू किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नया अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, ओपन करते हैं। तो आपको जो तो समझ ही आ गया होगा कि पेटीएम का अकाउंट नया कैसे ओपन करते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर से पसंद ही आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ करके लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।